बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए श्याम प्यारे की। प्रेमियों, आज चांदन एकादशी है। मुझे खुद नहीं पता कितने वर्ष हो गए, कई वर्षों से कोई भी चांदन एकादशी खाटू के अलावा कहीं नहीं बीती, पहली एकादशी। लेकिन ये बाबा के राह में ये एकादशी पड़ रही है 17 जनवरी और 16 फरवरी की। यात्रा पे हम लोग हैं लेकिन मन खाटू में अटका हुआ है। लाखों प्रेमी आज खाटू में सारी रात जागरण कर रहे हैं। हमारी मजबूरी इतनी है कि हम सारी रात जग भी नहीं सकते क्योंकि कल सुबह फिर यात्रा करनी है। लेकिन प्रेमियों, इस बात की खुशी है कि बाबा की डगर पर, बाबा के रास्ते में ही जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत कठिन फैसला लेना पड़ा। 71 दिन में 2/11 तो आनी ही थी। इसलिए प्रेमियों, आज बाबा की कृपा देखो, श्याम बाबा ने अपने लाइव दर्शन करा दिए। आप लोगों को भी कराए वहाँ खाटू धाम से कीर्तन के, और यहाँ से भी लाइव वहाँ जा रहा है खाटू धाम में। खाटू धाम में श्री श्याम कला भवन में जितने भी श्याम प्रेमी बैठे हैं उन सबको जय श्री श्याम। और सभी श्याम प्रेमी से निवेदन है कि हम सब की हाजिरी आप वहां पर लगा दे बाबा के दरबार। चिंता नहीं करो, एकदम बाबा है, बाबा बैठे। हम बाबा का कीर्तन करेंगे, बाबा हमारा काम खराब कर दे ऐसा हो नहीं सकता। दो दिन के बदले में 30 दिनों तक मौज करूं। बोलिए, दो दिन के बदले में 30 दिनों तक मौज करूं। अपने ठाकुर की सेवा भजनों से रोज करूं। रहता है तू सदा, रहता है तू सदा भक्तों के वश में। पूरे पूरे हाथ उठा लेना पूरे पूरे, और जो हाजिरी खाटू लगाना चाहते हैं पूरी तालियां बजाकर बोलेंगे हाजिरी लगवा। जिसको जिसको वारस को संख्या मिलती है, तालियां।
जाऊं। अठारवा दिन है लेकिन घर की परवाह नहीं है, हमें विश्वास है हम बाबा के रास्ते में है तो बाबा मेरे घर के रास्ते में है। Shut up!
दुखियारे खाटू में आज बैठे हैं और बहुत से परेशान यहाँ पर भी होंगे यार, ऊपर बढ़ा। एक मेरा भाई परेशान है यहाँ पर, ऊपर नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल पढ़ाई नहीं रखा। ऊपर 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 वो बजा रहा है यहाँ पर, लेकिन उसकी 3 महीने की बच्ची अभी अभी खबर मिली कि सीरियस है। पूरा शाम जगत उसके लिए अरदास कर रहे हैं कि बाबा उसको कुछ नहीं होना चाहिए। श्याम धारी चौखट पे श्याम धारी पापा थारी चौखट पे आया हूँ मैं हार के। बोलो बोलो। आया हूँ मैं हार के। कौन कौन इस हारे के साथी के दरबार में अपनी अर्जी लगाएगा? पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाकर बोलेंगे लायक बना लो Bye.
Oh, yeah.
आइए प्रेमियों एक अरदास और। कर दो बाबा से इसकी 3 महीने की बच्ची के लिए। पहुंच गया श्याम के दरबार में। सब कुछ खत्म हो गया था, दर दर फिर रहा था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। श्याम बाबा के बारे में बहुत सुना था, आखिर में हार कर पहुंच गया बाबा के दरबार में। और उसने बाबा से जाकर बाबा के मंदिर में दूर से खड़े होकर, बिल्कुल कोने में खड़े होकर, क्योंकि उसे लगा कि जैसे बड़े लोग छोटे लोग को सामने से नहीं देखते ना, वो अपने आप को बहुत छोटा मान रहा था। उसने सोचा मैं तीनों लोगों के नाथ कैसे सामने जाऊंगा, बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर चित्कार लगाई और कहा बाबा से, मैं तो हूं बाबा बहुत दुखा, दर्शन दिखा दे श्याम मुरारी, दर्शन दिखा दे श्याम मुरारी। किसको किसको दर्शन करना है, मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे क्या तुम्हारा नाम सुनकर के तुम्हारे पास आया हूँ, ऐसी तालियां हाथ में नहीं बजती।
उठा
यात्रा पे निकलने से पहले की बात और आज की बात दो लाइनों में बता रहा हूं। यात्रा पे निकलने से पहले तालियां बजाना पड़ेगा। बाबा से रोज सवाल पूछता था, बाबा यात्रा कैसे निकली? और एक सवाल करता था, मैं यात्रा पर जाएंगे, फिर आज ये बीच में अड़चन क्यों आ रही है? मेरे बिगड़े कौन बनाए, मेरा संकट बाबा ने जवाब दिया, यात्रा शुरू हो गई। आज 18वां दिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि 18 मिनट पहले निकले। जब रात को पड़ाव पर पहुंचते हैं, शरीर में एक किसी भी नस में जान नहीं होती, लेकिन चाय पीकर जब दरबार में आते हैं तो ऐसा लगता है कि 100 हाथियों का बल बाबा ने दे दिया। कुछ लोगों ने पूछा, आप यात्रा करते भी हो कि गाड़ी में बैठ जाते हो? क्योंकि कीर्तन में आपको देखकर नहीं लगता कि आप यात्रा कर रहे हो। मेरा उनको यही जवाब था कि मैं यात्रा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये कर रहे हैं कि राजा जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे प्रजा चल रही है। और राजा जी कौन सा? कलयुग का राजा। 10 साल बाद पूरे हिंदुस्तान को जिनके चरणों में झुकना पड़ेगा वो राजा। और आज मेरा भजन बदल गया, और आज वही बात दूसरे तरीके से गाते हैं। आज समझ में आया कि अगर आपकी सोच सही है, अगर आपका मकसद सही है, और अगर आपका रास्ता सही है, और आप शाम के दरबार में शाम के रास्ते पर चल रहे हो, तो कितना ही बड़ा से बड़ा तूफान आ जाए, हर तूफान को मसल कर रख देगा मेरा बाबा। लेकिन आपको आपका कुछ बाल भी बाका नहीं होगा।
प्रेमियों, सच बताऊं, आप लोगों ने जो प्यार दिया कभी सोचा भी नहीं था। जंगलों से यात्रा निकल रही है, लेकिन कहां कहां से प्रेमी निकल कर आते कभी नहीं सोचा था। लोग गाड़ियां रोक रोक कर साइड खड़ी कर दे रहे हैं और आकर धोख लगा रहे हैं, जिनको श्याम बाबा के बारे में नहीं मालूम। हम लोग भी तो हजारों मंदिरों के सामने से निकलते हैं, कौन सा हर मंदिर में जाकर धोख लगाते हैं, लेकिन इस देवता में न जाने क्या ऐसा चुंबक है कि जहां से गुजरते हैं लोगों को खींच लेता है। पैसे वाला अगर आकर धोख लगाता है तो समझ में आता है कि वो तो कभी गया होगा खाटू, लेकिन वो आदमी जिसने जिसकी अपनी जिंदगी का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, साइकिल पर जा रहा है, या मैंने देखा रास्ते पर रथ आगे जा रहा था, 10 फुट नीचे रास्ता है और खेत में कोई आदमी काम कर रहा है, दूर से देखा वो वहीं से दौड़ता हुआ आ रहा है और रथ पहुंचा उसके पहले वो पहुंच गया। उसने बाबा को माथा टेका। उस समय लगता है कि हम पर बहुत कृपा है जो हम लोगों को ये बाबा मिल गया, लेकिन हम स्वार्थी नहीं है। बाबा से इतना ही कहा, इस यात्रा का एक ही मकसद कि बाबा जिस जगह से आप निकल जाओ वो जगह श्याममय हो जाए। मुझे आप मिल गए, उनको भी आप मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप क्या हो बाबा। दिन को रात कर देते हो, रात को दिन कर देते हो, ऐसे दयालु देव। प्रेमियों, जो कभी खाटू नहीं गए ना, कोई है ऐसा जो कभी खाटू नहीं गया? कोई है? एक बार हाथ उठाकर बताओ, कोई है खाटू नहीं गए? कहां गए? कहां रहते हो? यहीं झुमरी तलैया। एक बार तिलैया से भी निकलो बाहर, एक बार खाटू जाकर आओ। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, लेकिन इसके पास जाने वालों के पास, इसके पास जो जाता है ना, उसको जो मिलता है वो वही महसूस कर सकता है। वहां से आने के बाद हृदय में एक संतोष हो जाता है, अब मुझे परवाह नहीं, मेरा बाप मेरे सिर पर बैठा है। ये सच्चा है। बोलो नाथों के नाथ की, यही अटल सत्य प्रेमियों। और कहता है मैं तेरा। हम बोलते जरूर हैं कि बाबा मैं तेरा, लेकिन हम इसके बनते नहीं। लेकिन कसम खाटू वाले की, ये सिर्फ बोलता नहीं बनके भी दिखाता है। ये हमारा बन जाता है, लेकिन हम इसके नहीं बन पाते। आइए प्रेमियों, एक छोटी सी रचना श्याम के दरबार में, और उसके बाद समापन करेंगे। और भी कोई है तो दीजिए गाली, नहीं एक हाजिरी को दीजिए, उसके बाद लगाएंगे। बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे मुंबई से आए हैं।
आइए प्रेमियों सब मिलकर गाना इस लाइन को। ना ही किनारा ना ही सहारा किसी की ना दरकार जो संग में तू मेरे। ना ही किनारा ना ही सहारा किसी के ना दरकार जो संग में तू मेरे। जो संग में है तू मेरे जो संग में है तू मेरे जो संग में है तू मेरे जो संग में है तू मेरे। ना ही किनारा ना ही सहारा ना ही किनारा ना ही सहारा ना ही किसी दरकार जो संग मेरे तू मेरे। Thank you.
जब तक मौज थी और तब तक याद नहीं आई, तालियां बजाओ ना। लेकिन जब नैया मझधार में आ गई तब बाबा की याद आई, तब पुकारा बाबा को। लेकिन ये इतना दयालु है, क्या किया, तालियां बजा कर। मेरे हाथ को थाम लिया पल भर की ना की देरी, मेरे हाथ को थाम लिया पल भर की ना की देरी। शांत है उस दिन से मेरा, शांत है उस दिन से मेरा, बन गया कौन गाएगा, बस आखिरी लाइन है, सारे मिलकर गा दो। ना ही किनारा ना ही सहारा ना ही किसी की दरगाह, जो संग में है तू मेरे, जो संग में है तू मेरे, बोलो जो संग में है तू मेरे। ना ही किनारा ना ही सहारा, परम सौभाग्य है कि खाटू धाम से बाबा तो आए ही है। खाटू धाम से परम आदरणीय हमारे भाई साहब श्री पुरुषोत्तम जी जगराम का बाबा के अनन्य प्रेमी हैं, और न जाने कितने लोगों के भक्तों की अर्जियां बाबा से कहते हैं, बाबा किसी ने भी टेलीफोन कर दिया कि भाई जी बाबा के दरबार में हम तो बहुत दूर हैं, आप हमारी अर्जी लगा दो, तो ये बाबा के दरबार में अर्जी रख देते हैं और हजारों लोगों का काम बना। ऐसे श्याम प्रेमी, ऐसे श्याम भगत, ये भी 71 दिन खाटू छोड़कर, खाटू से कलकत्ता आकर और कलकत्ते से फिर खाटू पैदल जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। और आइए एक भजन हमारे मुरारीलाल तोदी जी, और उसके बाद में, लेकिन मैं उसके पहले श्री कैलाल जी तोदी, ये बाबा की, ये मैंने इसमें कुछ नहीं किया। आइए कैलाश जी, लेकिन उसके पहले मैं नहीं कैलाश